हाय फ्रेंड्स, दोस्तों मैं इस वीडियो में आज काफ़ी खास खास बात करने वाला हूं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं और किस टॉपिक पे लेकर के कंफ्यूजन है आप लोगों की, ठीक है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं कि किस किस तरीके से आप लोग हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स को डील कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। और उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की तरफ से, मैं डेफिनेटली मैं उसको सोल्व करने वाला हूँ आज, ठीक है। तो आई होप कि आप इस वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसे मिल पाएगी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस को लेकर के अभी भी लोग काफ़ी कंफ्यूजन में हैं। टाइपिंग से लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन में हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड कब आएगा उससे लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन में है, ठीक है। और रिजल्ट कब पब्लिश होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड है कन्फ्यूजन। उसके बाद है उन लोग ये मतलब कि पूछा जा रहा है हमारे रिप्रेजेंटेटिव से कि सर ये एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, या फिर हमारा जो टाइपिंग होगा वो रिटेन के दिन ही होगा या फिर उसके बाद ही अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। वो तो हो गया कुछ पॉइंट्स। उसके बाद कुछ पॉइंट्स ये ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि सर कृतिदेव और मंगल फॉन्ट में जो हम टाइपिंग कर रहे हैं, सर हमारा स्पीड कृतिदेव में 30 था तो सर आकर के मंगल फॉन्ट में सर 15 हो चुका है या फिर 20 हो चुका है। तो ऐसा घबराइएगा नहीं, ठीक है, मैं सीधी सीधी बात करने वाला हूँ, ठीक है, और सीधी सीधी बातों को समझिए, ठीक है। देखिए, आपको करना क्या है कि जिस तरीके से आप टाइपिंग कृतिदेव पे करते थे इस पे भी सेम टू सेम वैसा ही करना है, लेकिन इसमें कुछ आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना, जिसका हम लोग यूज़ करते थे कृतिदेव में अल्ट के साथ। हम लोग जो करते थे यूज़, इसमें कोई भी अल्ट कोड काम नहीं करने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सिलेबस है, मैं काफ़ी पहले ही से, ठीक है, आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्रीवियस आप जितने भी टेस्ट उसको देख लीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पे काफ़ी, मैंने पहले ही से ही इस सिलेबस को अपडेट करके रखा है, ठीक है। जो लोग नए हैं उनको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, ठीक है, तो आप विजिट कीजिए, ठीक है, आई बटन से चेक कर लीजिए। तो आप लोग विजिट कीजिए वहाँ और देखिए कि जो मैंने पैटर्न और सिलेबस की ओर डिमांड की जा रही है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो सिलेबस दिया है आप उसी को, अभी तक मैंने जितना सिलेबस दिया है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत काफ़ी है। अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आई होप आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज जो हमारा 5वां सीबीट था उसका रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है, ठीक है। और इसमें जितने भी लोग कंडक्ट किए थे एग्ज़ाम, अगर वो उनका मतलब कि मान के चलिए कि जितने भी लोग अगर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किए थे, अगर उनका रिजल्ट एबव 30 आता है, मैंने तो ऐसे ही टॉप 12 को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और उनका मार्क्स काफ़ी अच्छा है, मतलब कि आप अप्रॉक्स उनका 30 से ऊपर ही है। तो आई होप कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका और भी होंगे, ठीक है, तो उनका रिजल्ट भी उनके मेल के ऊपर चला जाएगा, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जिनका भी आया होगा 30 एबव वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। अगर आप लोग ईमानदारी से एग्ज़ाम को दिए होंगे तो आई होप आप इस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर कि जैसे कि आप लोगों को सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस का जो पैकेज है ये वो बिल्ट्रॉन वाले ने, ठीक है, बिल्ट्रॉन के जो विभाग है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि NIOS का 336, ठीक है, जो एक सब्जेक्ट कोड है उसके हिसाब से ही वो लोग एग्ज़ाम का जो होगा पैटर्न उन्होंने बनाया है और क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे आधारित होंगे। तो सोचने वाली बात है कि आप लोग इतना भटक क्यों रहे हैं, सिलेबस क्या है, रिटन क्या है, क्यों? आप लोग आराम से उस 336 का, मैं इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसका मैं लिंक दे दूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप लोग वहां से आप उसको पढ़िए, उससे ज़्यादा तो क्वेश्चन आने वाला है नहीं, ठीक है। दूसरी बात है टाइपिंग का, तो टाइपिंग में थोड़ी सी बदलाव की गई है, कृतिदेव के बजाय रेमिंगटन गेल। तो रेमिंगटन गेल के लिए भी मैंने सोल्यूशन निकाल दिया है कि जिन दोस्तों को ज़रूरत है, जिन्हें ज़रूरत है अगर टाइपिंग की, अगर वो चाहते हैं सीरियस हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लैश कर रहे हैं नंबर, ठीक है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, परचेज कीजिए सॉफ्टवेयर को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कीजिए, वो आपको मदद करेंगे किस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर को परचेज करना है, ठीक है। प्राइसिंग वगैरह जितनी डिटेल हैं काफ़ी अफोर्डेबल है, आप लोग एक स्टूडेंट पैकेज के लिए ही बनाया गया है। जो लोग संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, तो माफ़ी चाहता हूँ कि ये जिस प्राइस में अफोर्डेबल दी जा रही है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा लग सकता है, ठीक है, कि सर ये क्या कर रहे हैं, बट ये हमारे तरफ से एक मान के चलिए एक स्टूडेंट के लिए एक तोहफा है,
जो उसके ओरिजिनल प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी डिफरेंस है। उसके बाद में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर टेस्ट काफ़ी आप लेट से ले रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास भी कुछ अपने पर्सनल वर्क्स हैं, कुछ ऑफिस के, कुछ क्लासेस के, ठीक है, तो मैं इन सभी कामों में जैसे कि बिजी रहता हूँ, ठीक है। और रही बात की सिलेबस के लिए, तो मैं इतना पैकेज ऑलरेडी दे रखा हूँ कि आप लोग बस उसको बस आप रट लीजिए ना, कि आपका एग्ज़ाम मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि क्रैक कर लीजिएगा। ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा, हम साफ साफ बात आपको बता रहे हैं। ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में कभी कभी आपको वो रास्ता खाई की तरह भी लेके चली जाती है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये सब रही बातें। उसके बाद में है कि एडमिट कार्ड कब, जैसे कि अनाउंस होगा एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम तिथि 27 नवंबर से आरंभ हो रही है। तो TCS ION का जो एक अपना रूल है कि वो लोग एग्ज़ाम को जो डेट होती है उसे 2 से 3 दिन पहले वो अनाउंस कर देते हैं एडमिट कार्ड को, ठीक है। 2-3-4 दिन का एक अप्रॉक्स उनका एक होता है, मतलब कि एक टर्म एंड कंडीशन, उसके बीच में एक अपना गैप रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ही वो अनाउंस कर देंगे उसको। उसके बाद में आ जाती है बात कि इसका रिजल्ट पब्लिश कब होगा। तो रिजल्ट, ये आप लोग नोटिस अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया नवंबर दिसंबर तक चलेगी। तो मे बी दिसंबर के लास्ट तक रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा और आप लोग का टाइपिंग कंडक्ट भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये सीधी सीधी बात है कि ये चुनाव प्रक्रिया के पहले, चुनाव आने से पहले जितने भी लोग हैं बेल्ट्रॉन के लोग, वो कहीं ना कहीं ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं अब अपने जो 5वें जो टेस्ट का अनाउंस करने वाला हूँ रिजल्ट, ठीक है, किन्होंने कितना मार्क्स अचीव किया है, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि वो लोग काफ़ी ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, सबसे पहले हैं राहुल भाई, ठीक है। 41 मार्क्स उनका आया है। बंका से हैं ये, बंका डिस्ट्रिक्ट से हैं और इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है 27 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। सेकेंड में है MD अफजल राजा हैं, ये सहरसा से रहने वाले हैं। 42 नंबर इन्होंने अचीव किया है और ये 22 ईयर्स ओल्ड हैं और इन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है। उसके बाद है MD अहसान, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट से हैं। इन्होंने 41 नंबर अचीव किया है और 21 ईयर ओल्ड हैं और ये 12th क्लास कर चुके हैं। सुशांत आर्या हैं नालंदा से, 42 नंबर अचीव कर चुके हैं, ये भी 22 ईयर ओल्ड हैं और इन्होंने भी BCA कर रखा है। उसके बाद है सुगंधा हैं पटना से हैं, 41 नंबर अचीव किया है, 29 ईयर्स ओल्ड हैं और इन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है। राजीव रंजन हैं, ये पटना के रहने वाले हैं और इन्होंने भी 42 नंबर अचीव किया है और 27 ईयर ओल्ड हैं और इन्होंने भी DCA कर रखा है। मनोज कुमार सीतामढ़ी से हैं और ये 43 नंबर अचीव किए हैं और इन्होंने MCOM कर रखा है, ठीक है। अमित कुमार हैं, ठीक है, 42 नंबर इन्होंने अचीव किया है, शिवहर के रहने वाले हैं, ठीक है, और ये भी ग्रेजुएशन कर रखे हैं। अजय कुमार हैं दरभंगा से, इन्होंने 43 नंबर अचीव किया है, 23 ईयर ओल्ड हैं, इन्होंने भी BCA कर रखा है। सुमन कुमार हैं जमुई से, इन्होंने 45 नंबर अचीव किया है और ये 21 ईयर ओल्ड हैं और इन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है। उसके बाद है संजीव कुमार और ये 43 नंबर अचीव किए हैं, लखीसराय के रहने वाले हैं और 23 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है, इन्होंने भी इंटर कर रखा है। संदीप कुमार हैं 49 नंबर मधेपुरा के रहने वाले हैं, 27 ईयर ओल्ड हैं और इन्होंने भी BCA कर रखा है, ठीक है। तो ये थी हमारी जो टॉप 12 का रिजल्ट, जिससे मैंने 5वें CBT टेस्ट का जो ये रिजल्ट अनाउंस हुआ है, ठीक है। 6ठा CBT टेस्ट आपको कल, मतलब कि आपको मंडे को 10 बजे आपको मिल जाएगी और आज संडे है और आज के शाम में, ठीक है, 7 से 8 बजे तक एक प्रॉपर वीडियो सिलेबस का पूरा आप लोग कंफ्यूज हैं तो क्या करें, हमको करना पड़ेगा, तो एक सिलेबस का पूरा एक समरी मैं लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा एकदम उसको निचोड़ कर रखने वाला हूँ, समझिएगा उसको, देखिएगा। आई होप ये वीडियो से काफ़ी आपको मदद मिली हो, अगर ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लगी हो तो इस चैनल को हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, उसके बाद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन उन सबको मिल पाए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।